सेक्स करने के पहले यह 13 बातें करना या जानना जरूरी है, उसके बारे में आज बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सेक्स यह एक ऐसी चीज है कि वो ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं क्योंकि हमारा जन्म हमारे माँ बाप ने सेक्स किया करके हुआ है। कोई लोग बोलते कि बहुत आवश्यक है और वो एक अच्छा काम है, उससे दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और एक वो अच्छा रिचुअल ऐसा मानते हैं। तो उसमें फिर ये बात जानना जरूरी है कि फिर उसके लिए क्या जानना जरूरी है जब सेक्स करते हैं, तो क्योंकि बिना जाने अनजाने में कुछ किए तो वो होगा नहीं। तो उसके बारे में मैं 13 बातें बता रहा हूँ, वो जरूरी है उसके पहले जानना या करना। नंबर एक, हरदम स्नान करके दोनों ने भी, पति पत्नी ने दोनों ने स्नान करके सेक्स करना चाहिए। स्नान जब करते हैं तो अपना बदन का कभी बांस आता है, बहुत पसीना आता है तो पसीने से, या ऐसा कुछ मतलब ये होगा तो एकदम नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा शॉवर लेते हैं और हल्के से गुनगुने पानी से शॉवर लेते हैं तो बहुत फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा और सेक्स करने में बहुत मजा भी आएंगे। नंबर एक। नंबर दो, प्राइवेट पार्ट जो है वो दोनों ने भी अपने साफ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक से करना चाहिए, एंटीसेप्टिक साबुन से करना चाहिए प्राइवेट पार्ट्स, ताकि इन्फेक्शन बांस नहीं आएगा, जो नहीं चाहिए स्मेल वैसा स्मेल नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि स्मेल बहुत आता है, पसीने से आता है या कोई सिक्रीशन से स्मेल आता है तो वो आएगा नहीं। क्या होता है कभी स्मेल बुरा आने से फिर एवर्शन हो जाता है सेक्स करने में। नंबर दो। नंबर तीन, आप एकदम क्लीन साफ कपड़े पहन के बेड पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर के कपड़े पहने हुए हैं वही गंदे हुए हैं या कोई दाग गिरे हुए हैं या अनाज खाना खाने के समय उसके ऊपर मतलब दाग गिरा हुआ है, तो ऐसा ना करते हुए एकदम बेड पे सेक्स करने के लिए ऐसा जाना जरूरी है कि जैसे आप शादी में जा रहे, बिल्कुल एकदम अच्छा ड्रेस करके जैसे शादी में जा रहे ऐसा जाना जरूरी है बेड के ऊपर। नंबर चार, सिगरेट या शराब लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिगरेट शराब लेते हैं तो पत्नी को अच्छा लगता नहीं, उनको बांस आता है तो फिर उनको एवर्शन होता है, फिर वह ना बोलती है। नंबर पाँच, बेडशीट आपकी फ्रेश क्लीन नीट होना जरूरी है। नंबर छः, आपके नखून बड़े नहीं होना, क्योंकि आप कभी उंगली से टिकलिंग करते हो या कभी उंगली से स्टिमुलेट करते हो क्लिटोरिस को वगैरह, तो नखून जो है नाखून से कोई ईजा हो सकती है, जख्म हो सकती है, तो नखून आपके कट होना चाहिए। नंबर सात, रूम फ्रेशनर मारो, ताकि रूम में एक आह्लादायक ऐसा वातावरण है, अच्छा लगता है, फ्रेश ऐसा रूम फ्रेशनर आप मारते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। नंबर आठ, बॉडी को स्प्रे मारो, है ना, बॉडी स्प्रे, तो उससे आपके बॉडी को भी अच्छा सुगंध आएगा और फिर अपने पार्टनर को भी अच्छा लगेगा, तो दोनों ने बॉडी स्प्रे मारना चाहिए। नंबर नौ, क्या होता है कि खाना खाने के बाद में यदि आप बेड पे जाते हो तो प्याज का खाया होगा, लहसुन का खाया होगा, गार्लिक या और कोई मतलब, तो फिर उसका बांस आता है जो सामने वाले पार्टी को या पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर वो ब्रश करके आप जाते हैं तो उससे भी कभी उनको अच्छा लगता है कि तो बांस नहीं आएगा कोई भी। नंबर दस, हरदम फोर प्ले करना चाहिए, और फोर प्ले में आप क्लिटोरिस को मतलब योनि लिंग जो है उसको पहले उंगली से उत्तेजित करना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर लेडी को, आपके पत्नी को सेक्स में बहुत मजा आएगा, बहुत एक्साइट हो जाएंगी, और जब बोलेंगे कि नहीं अभी इंटरकोर्स की शुरुआत करो, तब आपने फिर पेनिस का एंट्री उनके वजाइना में करना चाहिए, उन्हीं में करना चाहिए। तो फोर प्ले बहुत जरूरी है, कम से कम 5-10 मिनट का फोर प्ले करना चाहिए। नंबर 11, आपने पोजीशंस बदलना चाहिए। क्या है कि बहुत सारे पोजीशंस अवेलेबल है, अलग अलग आसन अवेलेबल है, तो आप अलग अलग आसन करते हो तो फिर सेक्स में आपकी मजा आएंगी। ये तो क्या है कि वही पोजीशन आप रखेंगे तो उसमें मजा आती है, तो काफ़ी सारी पोजीशंस है। पोजीशन के लिए मेरा एक अलग सा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, तो आप अलग अलग पोजीशन बदलते जाओ। नंबर 12, सेक्स जो है वो ऐसा हरी में मतलब जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए। क्या है कि बच्चे उठ जाएंगे, कोई आ जाएगा, है ना, ऐसा आराम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए कि नहीं भाई अपने पास में लगे उतना टाइम है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत जल्दी है, फ़ोन आने वाला है, कोई टेंशन है, मतलब ऐसा कुछ तो भी दिमाग के ऊपर चालू है, कुछ तो भी ऐसा जल्दी जल्दी में कुछ तो भी करना है करके फटाक से कर ले, ऐसा नहीं, आराम आराम से करना चाहिए। और दोनों ने ये समझना चाहिए कि भाई पति ने कि भाई पत्नी को एक्साइट करने की जवाबदारी पति की है और पति को एक्साइट करने की जवाबदारी पत्नी की है, समझना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे को एक्साइट करना चाहिए। नंबर 13, कोई भी स्ट्रेस दिमाग में हो, झगड़ा करके, झंझट करके, है ना, ऐसा कभी बेड के ऊपर जाके सेक्स नहीं करना चाहिए। क्या इनकम्प्लीशंस है, दिमाग में बहुत सारा टेंशन है, फाइनेंशियल बर्डन है, नर्वसनेस है, उदासीनता है, तो ऐसे जब दिमाग ठीक नहीं है तभी एक रिचुअल है और वो करना पड़ता है या करना चाहिए, बहुत दिन से किया नहीं तो आज करो,
या कम से कम भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो सेक्स मतलब ऐसा सेक्स कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें फेल होने के चांसेस है, और एक बार आप फेल हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है कि फिर कल और टेंशन आता है कि मैं कल फेल हो गया था, अभी आज कैसा होऊंगा, ऐसा फिर कल टेंशन आता है। तो ये 13 बातें हैं, जानना जरूरी है सेक्स करने के लिए या सेक्स करने के पहले करना या जानना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्नान करना, प्राइवेट पार्ट्स होना, 3 कपड़े क्लीन नीट एंड एकदम अच्छे कपड़े, 4 सिगरेट और शराब नहीं पीना, 5 क्लीन बेडशीट, 6 नाखून काटना चाहिए, 7 रूम फ्रेशनर, 8 बॉडी स्प्रे मारना चाहिए, 9 ब्रश माउथ वॉश ब्रश करके जाना चाहिए, 10 फोर प्ले करके क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन करना चाहिए, 11 पोजीशंस बदलना चाहिए रोज, 12 जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम आराम से सेक्स करना चाहिए, और 13 स्ट्रेस लेके बेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा सेक्स होना, ये बहुत जाना जरूरी है। सभी आपके दोस्त जो भी होंगे उनको सभी को ये शेयर करो, महिला पुरुष सभी को, ताकि वो केयर लेंगे तो उनका सेक्स जो है वो सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा, अल्टीमेटली मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें हम दोनों तरह के पेशेंट भर्ती करते हैं, जिसमें एक्साइटेड वायलेंट पेशेंट जो है उनको बिना रिश्तेदार भी हम भर्ती करते हैं, अकेला पेशेंट भी भर्ती करते हैं, रिश्तेदार भी बाद में आके पेशेंट को ले जाते हैं, और रिश्तेदारों के साथ में भी हम भर्ती करते हैं। सेक्स काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन चलता है, आप वीडियो कॉल मेरे से कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम आपको दवाई आपके यहाँ भेज सकेंगे। और मैं सेक्स काउंसलिंग के सेमिनार लेते रहता हूँ हर महीने में 3 बार या 4 बार, तो उसमें आप आ सकते हैं और आपके सभी डाउट जो है वो क्लीन अप कर सकते हैं। को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।